ये है जे जे न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज। देखिए सच सच्चाई के साथ। आदाब नमस्कार, आपका स्वागत है जनता जवाब न्यूज में। हम आपके साथ जुड़े हैं। आइए नेता बताते हैं कुछ खास खबरों पर। रामनाथ कोविंद बने भारत के 14वें राष्ट्रपति। कोविंद ने किया लोगों का शुक्रिया अदा। 25 जुलाई को लेंगे शपथ। देश के हर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। हम चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार रही श्रीमती मीरा कुमार जी को भी धन्यवाद के साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जिस पद का गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, APJ अब्दुल कलाम जी और प्रणब मुखर्जी जी जैसे महान विद्वानों ने बढ़ाया है, उस पद पर मेरा चयन मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत ही भावुक क्षण है। BSP सुप्रीमो मायावती ने दिया राज्यसभा से इस्तीफा। आखिर क्यों दिया मायावती ने इस्तीफा, देखिए रिपोर्ट। माननीय, जब से केंद्र में BJP वे इनकी NDA की सरकार बनी है तो तब से पूरे देश में और खासकर BJP शासित राज्यों में तो इन्होंने अपनी जातिवादी सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में वे अपने नफे नुकसान को भी सामने रखकर यहाँ विशेषकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों, किसानों एवं मध्यम वर्ग जो बड़े पैमाने पर शोषण में उत्पीड़ित, लेकिन वहाँ पर वहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे तो उन्होंने उनको ना तो जुलूस निकालने की परमिशन दी और ना प्रतिमा रखने की परमिशन दी, लेकिन वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने तो वहाँ के बयान, मेरी पूरी बात तो रखने पूरी बात तो ये ठीक नहीं है। ये 3 मिनट हो गया, अभी मैंने 3 मिनट में बोलना है। माननीय उपसभापति जी, 3 मिनट में बोलना है। सवाल 3 मिनट का नहीं है, मामला गंभीर है। मान्य सभापति जी, तो वहाँ जो दलित वर्ग के लोग थे सब्बीपुर गांव के, तो उन्होंने अधिकारियों की बात मानकर ना तो जुलूस निकाला और ना ही प्रतिमा रखी, तो और उनका अधिकारियों की बात मान ली। उसके बाद 14 अप्रैल के बाद अगले महीने फिर 5 मई को महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर तो उनके अनुयायी लोग तो वहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे। तो वहाँ के दलित वर्ग के लोगों ने तो जो अनुयायी लोग थे उनसे उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको और मान्य इस देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पिछड़ों व उपेक्षित वर्गों के हितों में, मुस्लिम व अन्य अकलियतों के हितों में, मजदूरों, किसानों के हितों में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है और अभी मैं माननीय सभापति जी को अपना इस्तीफा देकर आ रही हूँ।
मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2017 के बाद पहली महासभा चली 4 घंटों तक। आइए देखते हैं महासभा की कुछ खास। यात्रा में शहीद होने वाले यात्रियों को दी गई श्रद्धांजलि। आगरा रोड फ्लाईओवर ब्रिज को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का नाम एक राय से मंजूर हुआ है। जो तलवारा देव से दबाड़ी गांव को पानी देने के लिए 50 कारपोरेटरों ने दी मंजूरी। महागठबंधन के गट नेता ने कहा कि मालेगांव का पानी मालेगांव में रहने दो और अपने दास ने की बहस। एमआईएम के गट नेता डॉक्टर खाली परवेज ने कहा कि इंसानियत के आधार पर देना चाहिए पानी। आखिरकार दाबाड़ी को पानी देने की सूचना। अब घरेलू संडास होंगी ठेकेदार के जरिए तामीर। संडास के बारे में बात करना है कि जो संडास बने हैं उसका पहले देखभाल दुरुस्त जरूरी है। अगर पहले का दुरुस्त करना है या उसके पानी की सुविधा है, उसको पैसा लगता है, उसकी तरतूद बजट में की ही नहीं थी, उसका हेड ही रखा नहीं गया था, तो अभी उसकी तरतूद की जा रही है पहली बात। तो इसके बाद उसका जो दुरुस्ती का खर्चा है उसके लिए हमारे पास टेंडर निकलेगा। दूसरा है साफ सफाई और जो देखभाल होती है उसके लिए भी हम अलग से टेंडर निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे कर्मचारी साफ सफाई करते हैं वो बहुत ही बुरी हालत है, तो इसीलिए हमने ठेका देके बाद में उसको पूरा। पहली महासभा में म्युनिसिपल कर्मचारी को 500 रुपए मेडिकल अलाउंस की घोषणा। आइदर एक व्यक्ति भत्ता दिया हुआ जो मेडिकल रिइंबर्समेंट कंप्लीट मेडिकल रिइंबर्समेंट शहर डेवलपमेंट प्लान के तहत 23 नए गार्डन होंगे तामीर, साथ ही आईटीआई के लिए 15 एकड़ जमीन की। निष्पक्ष, निडर, बेबाक, निर्दलीय, आजाद, गली से लेकर कस्बे तक, गांव से लेकर शहर तक हो रही तमाम गतिविधियों को हम करेंगे उजागर। हर खबर पहुंचाए जनता तक, जनता का साथी, जनता की आवाज, जनता को रखे बाखबर। अब जनता की हर बात को पहुंचाएंगे हुकूमत तक। अब इंटरनेट पर भी देख सकेंगे हर छोटी बड़ी खबरें जनता जवाब न्यूज के साथ। जनता जवाब न्यूज बनेगा जनता की आवाज। मालेगांव शहर का पहला हिंदी न्यूज चैनल जनता जवाब न्यूज। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारात और जाहिरात के लिए इन नंबर पर कांटेक्ट करें। देखिए जनता जवाब न्यूज 10 सेट ऑफ बॉक्स पे चैनल नंबर 192 पर सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज यूट्यूब पर भी। जनता जवाब न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद? सुना नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना, शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। तो साबुन से हाथ धो लीजिएगा। स्वच्छ अभियान की हर तरफ है गूंज, मगर हमारे गांव कैंप इलाके के लोग जूझ रहे हैं गंदगी से। श्रीराम प्लाजा के लोगों की क्या है तकलीफ, जानिए खुद उनकी जुबान से। साचलेलं आहे हे घाण पाणी, हे जाण्याकरता मार्ग नाही या ठिकाणी आणि तो बंद केलेला आहे। त्याच्याकरता आम्ही अनेक उपाययोजना केल्या। नगरपालिकेमध्ये जाऊन आलो, नगरसेवकांना भेटून आलो, आयुक्तांना भेटून आलो, परंतु त्याचा काही परिणाम झालेला नाही। आजपर्यंत बातमी पण आली पेपरला आणि त्यामुळे जो त्रास होतो डासांचा, किड्यांचा वगैरे, त्याच्यावर थंडी, ताप, खोकला, सगळेजण बिल्डिंगमध्ये आजारी पडताय। एकेकाला एक एक आजार उद्भवतोय। डॉक्टरांकडे गेल्यानंतर डॉक्टर काही पण सांगतात, पण मग याचा हे कोणा द्यायचा, दोष कोणा द्यायचा? तर सगळा दोष याच्याच पाण्याचा। हे पाणी जे साचतं त्याच्यामुळे दुर्गंधी येते, वास येते आणि नाका डासांमुळे संपूर्ण रोगराई पसरते। आता याला उपाय काय? उपाय करण्याकरता आम्ही अनेक उपाययोजना केल्या, सगळ्यांना सांगितलं आजपर्यंत। आता 20 ते 22 दिवस होऊन गेले या योजनेला, पण काही त्याचा उपयोग नाही। आणि कोणाकडे जाऊन कुणीही काही सांगत नाही, आम्ही करतो, आम्ही येतो, तुम्ही वा पुढे, आम्ही असं करतो, आम्ही तसं करतो, परंतु आतापर्यंत काही उपयोग झालेला नाही। आता हा आजारी पडलेला आहे, हे सगळं डासांमुळे, ह्या रोगराईमुळे, पाण्यामुळे रोगराई पसरते, याच्यामुळे खोकला, सर्दी, थंडी, ताप, वेगळ्या प्रकारचे आजार आहे। वयस्कर माणसं आहे, म्हातारे माणसं आहेत, लहान लहान मुलं आहे, सगळ्यांना या आजारपणाला तोंड द्यावं लागतंय। सगळ्यांना, वयस्कर माणसांना पण, पूर्ण बिल्डिंग धोक्यामध्ये। तर याच्यासाठी काय करायचं? आम्ही पहिले 10-11 वर्ष बरस हो गए, उधर जाता है पानी, लेकिन उधर उसने बंद कर रखा है। अभी कितने दिन से बंद किया? 20 दिवस झाले त्यांनी ते बंद करून टाकलंय। आणि तिकडं पाणी सोडलं तर तिकडचे लोक म्हणतात आमच्याकडे आमच्याकडे आजार निर्माण होतो, तर त्याचा उपयोग पण आमाला इकडं सगळं सहन करावा लागतो। पूर्वीची गटार काढलेली ती पोलीस लाईनीतून पार रावळगाव नाक्यापर्यंत त्या गटारीला मिळालेली ती, परंतु तो ते नाला जाऊच देत नाही। तिकडं ते म्हणतात आम्हाला या सांडपाण्याचा त्रास होतो,
पण आता इथं तेच असल्यामुळे आम्हाला त्या सांडपाण्याचा त्रास होतो. मग याला काय उपाय? पाणी आपलं पण नाहीये ना. आणि ते पाणी पूर्ण टिंबर टीव्ही सेंटर पासून तिकडून दुंडेरी पासून खाली पाणी इकडे येतं. त्याला स्रोत पुढे नसल्यामुळे ते पाणी इकडे अडकतं आणि इथं त्या पाण्याचा आम्हाला संपूर्णपणे त्रास होतो. आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज. मैं आज खड़ा हूं यहां पर मालेगांव कैंप के पौश इलाके में वार्ड क्रमांक 1 में. जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे इस जानिब साकार क्लासेस है, ये इंद्र नगर है, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है और ये जो है श्रीराम प्लाजा है. श्रीराम प्लाजा के तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं. इन लोगों का ऐसा इल्ज़ाम है कि ये जो गटर थी, ये गटर से पानी जाया करता था, पूरे यहाँ का जो गंदा पानी हुआ है वो निकल कर जाया करता था. मगर इन लोगों ने ऐसा इल्ज़ाम लगाया है कि ये हिम्मत नगर पुलिस कॉलोनी के लोगों ने वो गटर को ब्लॉक कर दिया है और आज पानी यहाँ पर रुक रहा है. इस बारे में कितनी हकीकत है हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, क्या आप बता रहे हैं पानी रुक है, क्या वजह है, क्या पूरी डिटेल आ रहा है? ये जो नाली है कम से कम 20-25 साल से वो बहती थी, बाद में ये 15-20 दिन से ये लोगों ने बंद किया करके सब पानी यहाँ पे रुक गया, सब गंदगी बढ़ गई, सब बच्चे लोग वहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर में जो लोग रहते हैं सब बीमार हैं. और हम लोगों ने एप्लीकेशन करके महापालिका में भेजा, वहाँ पे मिलने नहीं दिया, वो मैडम को मिलने नहीं दिया. और बड़े ये अफसर पुलिस ऑफिसर है उनको भी हमने अर्जी दिया है, क्या ये जो अर्जी है उसकी प्रत हमने दिया है, मगर यहाँ पे कोई ख्याल नहीं देता. कारपोरेट आके गया, यहाँ का कारपोरेट जो है वो भी आके गया. मैं अभी यही 2 दिन में बना था, वो खाली आके चला गया, तो अभी तक आया नहीं, आज तक के नहीं आया. और ये गंदगी बढ़ते ही जा रही है. पोर्शन है फार जुना पोर्शन है, नाल्याचं पूर्ण पाणी म्हणजे आर टी ऑफिस पाणी इकडे येतं डायरेक्ट. बरोबर. आणि ते बऱ्याच वर्ष इथून चालू आहे. हां, असं पाहिला गेला तर खाजगी प्लॉट आहे, परंतु पाणी इथून चालू आहे. त्याचं काही नगरपालिकेने सोय केली पाहिजे आणि टेम्पोररी पोलीस डिपार्टमेंट बंद करून टाकलं पाणी जाणं. हे असं अचानक पाणी बंद करणं म्हणजे एखादा पाऊस झाला, पावसाळा आला तर पूर्ण कॉलनीत पाणी साचून जाईल, याची आम्हाला जास्ती तरी तवडतोब विचार कारवाई करण्यात यावी, नम्र विनंती. नागरिकांना त्रास होत आहे आणि ते सहन करत आलेले आहे. कृपया त्या लोकांनी इतकी माघार घेतली तरी कॉर्पोरेशनने त्यांनी त्यांची दखल घेतली नाही, तरी आता आम्ही संघर्ष करू. आमची समिती तयार आहे, कृपा करून कॉर्पोरेशनपर्यंत आमची बातमी जात आहे. हे जनता जवाब या माध्यमातून ही विनंती करतो, त्यांनीसुद्धा आमच्याकडे लक्ष ठेवावे. इथे कचरा, कचऱ्यापासून मैला आणि घराघरापर्यंत पाणी साचलेलं रास्त, डेंग्यूची साथ होण्याची शक्यता आहे. लहान बाळं इथे ट्युशनचे क्लासेस आहेत, शाळा आहेत आणि सगळ्या गोष्टी पोरांना त्रास होण्याची शक्यता आहे. आरोग्यापासून त्यांना वंचित राहावं लागत आहे, दवाखाने भरलेले. कृपया कॉर्पोरेशनने याच्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. जैसा की आपने सुना, पुरुषों ने अपनी अपनी शिकायत रखी, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं. हा नाला 15 दिवसापासून बंद करून दिलेला. आम्हाला घरात बसवलं जात नाही, का वास सुटतो. लहान लहान पोरे आमच्या आजारी पडायला लागले. आम्ही आयुक्तापर्यंत जाऊन आलो, आयुक्तांना भेटू दिलं. उपायुक्त पठारे यांना आम्ही निवेदन दिलं, ते म्हणे आम्ही काहीतरी दखल घेतो. त्यांनी दखल घेतली नाही, नगरसेवक येऊन पाहून गेला तोही आला नाही. सर्वे नुसतं येऊन पाहून जाऊन राहिले, कोणी येते काहीच करू शकत नाही. आयुक्त पण नगरपालिकेजवळ थांबलो. लहान लहान मुलं आजारी पडायला लागलेले, तर आम्ही स्वतः आजारी पडायला लागलो. आमच्या बेसिनमधून पाणी यायला लागलं, पावसाचं पाणी घरामध्ये यायला लागलं. हे पाणी सगळं टीव्ही सेंटर पासून इथे आलेले, वावळ हॉस्पिटल कडनं इकडे आलेले आहे पाणी. त्यांना कोणाच काही त्रास नाही, फक्त त्रास आमच्या बिल्डिंगला आहे. आमचे मुलं आजारी पडतायत सगळे, आमचे माणसं कामधंदे सोडून सुद्धा सगळ्यांकडे जाऊन आले, सगळ्यांना भेटून आलेले आहेत, तरी कोणी दखल घेतलेली नाहीये. हम जब पढाई करते तो हमें मच्छर बहुत काटते, बहुत ही मतलब हमारा क्लास भी है, हमें बहुत तकलीफ होती है. तो इसका कुछ करना चाहिए वरना हम मोर्चा निकालेंगे. हमें स्टडी करने में भी बहुत दिक्कत होती है, बहुत मतलब इससे मलेरिया भी हो सकता है. हम बायो पढ़ते हैं तो हमें पता है क्या हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. इसका कुछ करना चाहिए. आप जो देख रहे हैं
आपको लगता है कि ये बननी चाहिए खबर तो हमसे संपर्क करें, हम जनता की हर सही बात को पहुंचाएंगे हुकूमत तक। ये है जनता जवाब न्यूज। एडवर्टाइजमेंट, इश्तेहारा और जाहिरात के लिए इन नंबर पर पढ़ते देखिए जनता जवाब न्यूज देन सेटअप बॉक्स के चैनल नंबर 192 पर सुबह 10 बजे दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे। और देखिए जनता जवाब न्यूज यूट्यूब पर। जनता जवाब न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए सच सच्चाई के साथ। जय हिंद, जय भारत।